से लगी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारत से नेपाल प्रवेश कर रहे 3 भारतीय युवकों से झड़प के बाद फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया। नेपाल पुलिस के इस फायरिंग के बाद स्थानीय नागरिकों में काफी आक्रोश है। इधर इस घटना के बाद यूपी से लगे सभी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट भेज दिया गया, जिसके बाद महाराजगंज जिले से लगी सोनौली सीमा को भी अलर्ट कर दिया गया। एसएसबी के जवानों ने खुली सीमा पर पेट्रोलिंग तेज कर दी और सीमा पार कर रहे लोगों से गहनता से जांच और पूछताछ शुरू कर दी। शुक्रवार की सुबह से ही सोनौली सरहद पर नेपाल से आने वाले सभी यात्रियों की गहनता के साथ जांच की और संदेह होने पर परिचय पत्र को चेक किया गया। प्रतिदिन नेपाल की तरफ से हो रहे विवाद के बाद सोनौली सीमा पर एसएसबी जवानों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे से भी सरहद पर निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में एसएसबी 22वीं वाहिनी सेना नायक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि नेपाल सीमा को अलर्ट पर रखा गया है, सीमा पर कड़ी जांच की जा रही है। पब्लिक न्यूज के लिए महाराजगंज से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।